हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम मुख्य रूप से बात करेंगे एमपी टेट वर्ग दो को लेकर के कि आपके जो एमपी टेट वर्ग दो मेंस एग्ज़ाम्स का नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है, और आपके जो नए मुख्यमंत्री बने हुए हैं मोहन यादव जी, तो अभी आपने देखा होगा हाल ही में इन्होंने जो अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग ली उसमें बहुत सारे फैसले लिए हैं। तो हो सकता है जो आपका वर्ग दो मेंस एग्ज़ाम्स का नोटिफिकेशन है बहुत ही जल्द आपके सामने हो, और फिर आपको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा तैयारी करने के लिए। तो क्या आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं? यदि ऐसा है तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन कभी भी आए आपको अपनी तैयारी रेगुलर रखनी है ताकि आप बहुत अच्छा वहां पर स्कोर कर पाएँ। क्योंकि यदि मेन सब्जेक्ट बसाना है तो फिर आपका जो है कंपटीशन और ज़्यादा हाई होने वाला है, और आप देख रहे हैं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आपकी पात्रता परीक्षा यानी एलिजिबिलिटी जो टेस्ट हुआ था तभी से रेगुलर तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं, तो फिर आप बहुत पिछड़ जाएंगे यदि आप अभी नोटिफिकेशन के इंतज़ार में हैं। अब आप कहेंगे जब नोटिफिकेशन नहीं आया और सिलेबस सामने नहीं है तो क्या हम पढ़ें? ठीक है, तो आपको बता दें आपके पास वर्ग दो पात्रता परीक्षा का सिलेबस होगा, उसी को आपको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्ड में जा कर के तैयारी करनी है। ठीक है, अब आप कहेंगे क्या टॉपिक घटेंगे या बढ़ेंगे तो वो बाद की बात है, लेकिन जितने टॉपिक अभी आपकी पात्रता परीक्षा के सिलेबस में दिए गए थे आप उन्हीं को बहुत अच्छे से कवर करेंगे तो आप 100% मानिए आपका सिलेक्शन पक्का होगा। क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं आपकी पात्रता परीक्षा से ही रेगुलरिटी बनाए हुए हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ बात आती है नोटिफिकेशन की, तो हो सकता है इनकी जो अगली कैबिनेट हो या उसके बाद की जो कैबिनेट बैठक हो कहीं ना कहीं ये मुद्दा ज़रूर जाएगा, और अभी आपके वर्ग एक का रिजल्ट भी आना है। तो यदि आपकी जो है पात्रता परीक्षा क्वालिफाई जो बच्चे हैं वो यहाँ पर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो आपके हो सकता है नए वर्ष में जनवरी फरवरी में आपका जो है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, और आपका जो है फिर बहुत जल्द एग्ज़ाम, मतलब नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास टाइम बहुत कम बचता है तैयारी के लिए। तो अभी से हमने कितनी ही बार आपसे बोला है कि आप अपनी तैयारी रेगुलर रखिए, नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल मत करिए, और सिलेबस पर भी हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कुछ आपकी पात्रता परीक्षा का सिलेबस कि क्या है सिलेबस और आपको किस तरीके से उसको कवर करना है। ठीक, तो आप ये देखेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है, यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका जो है इसमें अपने सब्जेक्ट का, केवल मेन सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर देखना है किस तरीके से दिया गया था। तो आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले इंग्लिश का दिया गया है। ठीक है, सॉरी इंग्लिश का नहीं है, यहाँ पर आप गणित से देखेंगे। ठीक है, तो इसमें 120 प्रश्न और 30 प्रश्न मतलब ये पात्रता परीक्षा का है, तो यहाँ केवल आपको अपना मेन सब्जेक्ट देखना है जैसे गणित है। ठीक है, तो इसमें जो विषय वस्तु दी गई है तो फर्स्ट में आपकी संख्या पद्धति दी है, तो जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप संख्या पद्धति स्टार्ट करते हैं, तो ये सारे जो यहाँ टॉपिक दिए हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सारी प्रैक्टिस के साथ में इनको कवर करना है। इसके बाद बीजगणित, क्योंकि आपके गणित में टॉपिक चेंज भले ही हों लेकिन टॉपिक तो गणित के ही रहेंगे, ऐसा तो होगा नहीं कि साइंस के दे देंगे। ठीक है, तो आपको ये देख करके और अपनी तैयारी अभी से करनी है, और यहाँ पर आप देखेंगे सारे टॉपिक दिए हैं ज्यामिति, त्रिकोणमिति, ठीक है, मतलब आपके त्रिभुज चतुर्भुज हर एक टॉपिक यहाँ दिया है, तो इन्हीं को आपको करना है। इसके बाद एक गणित पेडागोजी, तो अभी आपको पेडागोजी को बिल्कुल भी टच नहीं करना है क्योंकि जब ये नोटिफिकेशन पर डिपेंड रहेगा पेडागोजी का। ठीक है, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा अभी आपको जो मेन सब्जेक्ट है उसी पर फोकस करना है, और पेडागोजी वैसे भी कोई रटने की चीज़ नहीं होती है, ये समझ पर डिपेंड होती है। ठीक है, इसके बाद जो है आपके साइंस का देखेंगे आप सिलेबस, तो साइंस में आप देखेंगे सबसे पहले आपका ब्रह्मांड दिया है। ठीक है, ब्रह्मांड के बाद मापन, समय, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान। अब ये टॉपिक पढ़ने में तो छोटे हैं लेकिन जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये पूरी फिजिक्स यहाँ पर दी गई है। ठीक, फिर अब जैसे मापन में केवल यहाँ इन्होंने इतना दे दिया। ठीक है, फिर इसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें आती हैं आपको सारी कवर करनी है। फिर पदार्थ दिया है, मतलब पदार्थ में सारे ये आपकी केमिस्ट्री के टॉपिक आ जाएंगे। फिर सजीव जगत दिया गया है तो इसमें आपकी पूरी बायोलॉजी आ जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ कह दिया जैविक प्रक्रियाएँ अनुकूलन, तो इसमें आपका पोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया, श्वसन हो गया, हर एक चीज़ इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये आपको ढूंढना है कि कहाँ से आप कैसे सिलेबस को कवर करेंगे, कौन सी अच्छी बुक्स रहेंगी,
कैसे हम इसकी तैयारी करें। इसके बाद ये आपके कुछ टॉपिक और बच जाते हैं, बल, गति, दाब, कार्य, ऊर्जा, मशीन, ताप एवं ऊष्मा, तो ये आपके सब फिजिक्स के टॉपिक होते हैं। फिर ये आपके कुछ केमिस्ट्री के फिर से यहाँ टॉपिक आ गए, तो आप देख लेंगे। और फिर यहाँ दिया है पर्यावरण, ठीक है, तो पर्यावरण में आपकी जो पूरी साइंस, साइंस में आपकी पर्यावरण आ जाती है, ठीक है। जैसे आपने पारिस्थितिक तंत्र पढ़ा, इकोसिस्टम पढ़ा, जैव विविधता पढ़ेंगे, ठीक है, हॉटस्पॉट पढ़ेंगे, पूरा का पूरा प्रदूषण आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, जैव विकास क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी पर्यावरण, जो कि आपके साइंस का एक टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो और जो हमारी क्लासेस हैं वो साइंस की हम रेगुलर डालते ही रहते हैं, और इसमें हम बायोलॉजी अभी हमने स्टार्ट की थी, तो उसमें सजीव जगत हम पढ़ रहे थे, तो इसका दूसरा टॉपिक। और मुख्य रूप से एक अगला सेशन हम लाएंगे, उसमें केवल हम साइंस की ही बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी जो है स्ट्रेटजी रखने वाले हैं, कैसे अब हम तैयारी करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर ज़रूर जुड़ें, ठीक है। इसके बाद ये आपके सोशल साइंस का सब्जेक्ट दिया गया है, सॉरी सिलेबस दिया है, फिर इसके बाद आपका ये हिंदी का दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से सारे पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है आप ESB से जा करके यहाँ पर डाउनलोड करें और इसी को फॉलो करिए और बहुत डिटेल से आप पढ़िए, ठीक है। और आपके लिए MPTET वर्ग 2 मेंस एग्जाम्स के लिए मैथ की क्लासेस भी बहुत ही जल्द स्टार्ट की जाएंगी, तो उसका भी आप थोड़ा सा वेट करें। और जो साइंस है उसकी पूरी तैयारी हम कैसे करेंगे पूरे सिलेबस के साथ में, नेक्स्ट सेशन में हम उसका डिस्कशन करेंगे, तो आप उस क्लास को ज़रूर देखना, और यदि जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू।